जर्मन शिफ्ट पाया जाता है। हम इसको ये मांस फल इतना मोटा देवदार का दरख्त है। ये बोतलें हमारे किस काम आ सकती हैं वो दिस गाइस, ये चक्कर है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले सब खैरियत से होंगे। आप मेरा YouTube चैनल शबू देख रहे हैं, तो आज का मजेदार व्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू। तो हम आए हैं नहाने, तो अब नहाएंगे। मेरे घर के आगे से नाला गुजरता तो उस वजह से मैं नहाता हूँ। तो लेकिन आज इस दफा हमने ये किया, हम अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज किया, दूसरी जगह पे आए, अब यहाँ पे नहाएंगे हम इस जगह पे। हमारे साथ और एक बंदा है, ये वाला बंदा है, ये हमारे साथ नहाएगा मुगल। तो अब नहाते हैं। ये चीज, ये चीज, आहा, गांव में रहने का ये एक फायदा तो है ना, बंदा सुबह सुबह उठे और ठंडा यख पानी हो, गर्मियों में चस ही अलग है। तब मैं भी जाता हूँ। पत्थर ना बहुत स्लिप है नीचे, तो उस वजह से मैं गिर गया था। अब साबुन शैम्पू वगैरह लगाते हो तो नहाते हैं। फाइनली हमने नहा लिया है, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं हम। और एक चीज मैं दिखाता हूँ गाइस, क्या चीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। Look at this guys, ये चेक करें बंदे के सिक्स पैक, आप चेक करें माशाल्लाह guys, ये चेक करें। Look at this guys, ये चेक करें माशाल्लाह, सीधा वो टाइगर शरूफ के पैक हैं इसके माशाल्लाह, बहुत है। मेरे भी हैं थोड़े से, दिखाओ जी मेरे भी। पहले इसके देखो गाइज, स्टील बॉडी है, ये चेक करो, लगती है इसको गाइज। मेरे भी हैं हल्के फुल्के, ये चेक करें, मेरे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस लड़के की ना वो नेचुरली बहुत अच्छे पैक, मेरा यूट्यूब है पहला व्लॉग जो मेरा वो सिक्स पैक वाला है, इसी लड़के के पैक थे। तो यहाँ से नाली है, ब्रेडी वगैरह होते हैं, ब्रेडी वगैरह हम होते हैं, ब्रेडी वगैरह हो चुके हैं हम। अब चलते हैं, कहाँ चलते हैं वो दिखाते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज है वो दिखाते हैं आपको। तो अब यहाँ से चलते हैं, नहा धो लिए हमने, अब आए हम बच्चों के साथ। बच्चों ने उठाई हैं बोतलें, ये बोतलें क्यों उठाई हैं ये भी हम आपको बताते हैं। ये बोतलें हमारे किस काम आ सकती हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो चलते हैं उस जगह, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। तो बाकी अब चलते हैं यहाँ से, चलें। इन बोतलों में हमने क्या लाना है, क्या भरना है वो हम आपको दिखाते हैं। और हमारे गांव की ऐसी क्या चीज है जो हम लाने के लिए जा रहे हैं, और इतनी वो क्यों स्पेशल है कि हम सब आए हैं उस चीज को लाने के लिए। बैक साइड देख सकते हैं, ये जो जंगल है ये बहुत घना जंगल है, कि सुनने में ये आया है कि यहाँ पे बड़े बड़े सांप भी होते हैं, खतरा भी लाहक हो सकता है हमें। दूसरा, हमने शूज भी नहीं पहने, सांपों का भी हमें डर है। लेकिन हम इधर गांव में रहते हैं, हमें डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम पेंडू लोग और मजबूत लोग होते हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं। चलो जी, अब हमारी एंट्री होती है जंगल में। लेकिन एक चीज हमने यहाँ पे ये नोट की है ना, ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें कितना मोटा देवदार का दरख्त है, ये चेक करें गाइस। मैंने जिंदगी में इतना मोटा दरख्त अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और मोटा दरख्त देवदार का दरख्त ये वाला दरख्त है, ये चेक करें गाइस। मैं अभी पास जाता हूँ इसके, देखना फिर आप। पांच दफा में इतना नहीं है, तकरीबन 4-1 फुट होगा, 4 × 12 तकरीबन गुलाई में 12 फुट है ये दरख्त। ये दरख्त पता है, ये जो हमारा कौमी दरख्त है ना, देवदार का दरख्त, ये वो वाला दरख्त है गाइस।
बाकी अब यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं वापस बिस्मिल्लाह। अच्छा गाइस, वो जो मेन चीज मैंने आपको दिखानी थी, हम आए क्यों थे, अब पहुंचे हम फाइनली जंगल में पहुंच चुके हैं, वो चीज आपको दिखाते हैं, चलें जी। फाइनली पहुंच चुके हैं। सांस मेरा भी आप देख सकते होंगे कितना फूल चुका है। कहां पे आए हैं हम, ये चेक करें गाइस, यहाँ ये खाने के लिए आए हम स्पेशल। कैमरा मैन जूम करो, जरा जूम करो, ये चेक करो गाइस, माशाल्लाह ये हम आए तकरीबन 2 किलोमीटर अपने घर से दूर पैदल चल के। ये जंगल में स्पेशल पाए जाते हैं, ये हमारा जंगली फल है, ये कोई मकामी फल नहीं बल्कि ये जंगली फल है। ये थोड़ा रेड कलर में है, ये जो तैयार हुआ होता है वो ब्लैक कलर में होता है। इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कश्मीरी में किलमिच। अभी ये खाते हैं हम किलमिच, पता नहीं इनको या उर्दू में कहते हैं इकलू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो ब्रो, ठीक हो? ये बंदा ऑलरेडी यहाँ इस जंगल में घुसा हुआ था हमसे पहले ही। तो यार ये रेड कलर के हैं, ब्लैक कलर के हमें दिखाओ जो तैयार हुए हैं। इधर ओहो गाइस, ये चेक करें, फाइनली ये चेक करें, ये चेक करें गाइस, ये तैयार हुए हैं, ये ब्लैक कलर के मतलब ये तैयार हुए हैं बिल्कुल, ये चेक करें गाइस। अब इनका टेस्ट करते हैं ये कैसे हैं। ये जंगली फल है गाइस, ये जंगल में आके खाना पड़ता है। बिस्मिल्लाह, यार लेवल एंड हो गया। ये उतारते हैं बोतल में जमा करते हैं जो बाकी, अब खाते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाह, गाइस ये आप चेक करें, ये रेड कलर के हैं और ये ब्लैक कलर के जो है ना, ये ब्लैक कलर वाले ये तैयार हुए होते हैं। ये चेक करो, अदील भाई मेरे साथ जमा करें, इधर आ जाएं। आए हैं, उफ आहा आहा, साथ साथ जमा भी करें साथ साथ खा भी रहे हैं। ये मस्त फल है, मस्त करो, मजेदार। मजा आया, अक्सर आपने देखे होंगे सैमसंग के जो मोबाइल हुआ करते थे पुराने दौर में, 1-2 साल पहले, उनके जो वॉलपेपर होते थे ना बिल्कुल इस तरह के पत्थर हुआ करते थे, उस वॉलपेपर में बिल्कुल सेम उसी तरह किलमिच लेके बैठे हैं दरिया के किनारे पे। अब ये इकलू जो है अब यहाँ पे हम बैठ के खाते हैं। ये 2 बोतलें हमने जमा की हैं उसकी, इकलू की जमा जो हमारा जंगली फल है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं इधर, बिस्मिल्लाह, हाय हाय हाय, चेक करें, हाय 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 हाय, हेरो लड़के, हाय 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 गाइस, खबर ही नहीं हो रहा, हाय हाय गाइस, रस रस देख जैसे खून है गाइस, आ हा हा हा। अच्छा मैं कह रहा हूँ ये बच्चे तरस रहे हैं, लाओ इधर, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, हाय 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 गाइस, ये चेक करो, बहुत अच्छे, इतनी तारीफ करो इतनी कम। यहाँ पे हमने एक रस्सा देखा, मैंने कहा थोड़े से स्टंट वगैरह किए जाए यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है आपका भाई है पूरा स्टंट मैन। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आपके भाई का जलवा ही अलग है, क्या कहते हो? हाथ मेरे इतने नाजुक है ना, रस्सा बिल्कुल मेरे हाथों में चला जाता है, ये चेक करें। बाकी गाय को और एक स्टंट करते हैं हम यहाँ पे, लुक एट दिस, आपका भाई है स्टंट मैन, टैग भी चेक करें गाइस, सब कुछ बना हुआ है आपके भाई का। अच्छा जी गाइस, जर्मन शेफ्ट है ना ये,
माशाल्लाह गाइस, हमारे गांव में भी एक जर्मन शिफ्ट पाया जाता है। हम इसको हम इसको कुत्ता भी नहीं बोल सकते, ये हमला कर रहे हैं हमारे ऊपर। अगर हम इसको कुत्ता बोलें, ये हमला करता है हमारे ऊपर। कुत्ते का शुक्र आपने देखा होगा, डरा दिया मुझे। डैनी ने हमारे साथ बड़ा शुक्र लगाया था। डैनी आ रही थी सीधा मेरे ऊपर, जंप कर रही थी। मैंने कहा डैनी ना ना, तुम कुत्ती हो, कुत्ती का पता है तुम्हें। गाइस इसको प्यार से डैनी कहते हैं, हम पेंडू लोग हैं, हम इसको कुत्ती कहेंगे। बच्चे सारे इसरे कि हमारे गांव में कौन सा जंगली फल है, और भी है लेकिन उनका सीजन अभी नहीं आया। जो जो सीजन आएगा मैं आपको दिखाता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कैसी मतदार वीडियो में, तब ना रखना ढेर सारे ख्याल। तो मुझे तब तक के लिए इजाजत, तो अल्लाह हाफिज़।